ज्वालामुखी पुलिस ने 5 मोबाइल और 1 एलईडी सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुलेमान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 380 के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्वालामुखी पुलिस ने 5 मोबाइल और 1 एलईडी सहित एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुलेमान, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 380 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज शौंडिल ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बिजेश कुमार पुत्र बंसीलाल, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, उसकी शिकायत आने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसका मोबाइल और लगभग 50,000 रुपए की नकदी चोरी हुए हैं। इस पर पुलिस को शिकायतकर्ता ने पहले ही सुलेमान नामक व्यक्ति पर शक जताया था, जिस पर पुलिस ने इसके घर में दबिश देकर 4-5 मोबाइल व 1 एलईडी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उक्त आरोपियों द्वारा जो सामान चोरी किया गया था, इनकी कीमत 1,00,000 रुपए में लगभग है। बताया जा रहा है कि पुलिस को शक है कि शहर में और जगह हुई चोरियों में कहीं इनका हाथ ही तो नहीं है। ऐसे में पुलिस इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि एक आरोपी बली मोहम्मद से 2 मोबाइल जो चोरी किए हुए थे और 8,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार सुलेमान पुत्र चांद खा गांव अलीगंज तहसील व जिला एटा उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। वो इसकी उम्र करीबन 20 वर्ष है। बहरहाल पुलिस के मामले को लेकर छानबीन जारी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां अभी हो सकती हैं, जिसे लेकर पुलिस इन तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। पिछले कल शाम को ब्रजेश नाम के व्यक्ति ने, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, उसने थाना में एक शिकायत पत्र दिया था कि उसके मोबाइल और कुछ पैसे जो हैं चोरी हुए हैं, और एक अली मोहम्मद और सुलेमान के ऊपर उसने शक जाहिर किया था कि ये जो लोग हैं इसके घर के आसपास काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं। उसने बताया था कि ये शक पूरा है कि इन्होंने ये इसका सामान चुराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इसके ऊपर जो उपरोक्त जो नाम बताए, उक्त नाम जो कंप्लेंट ने बताए थे, उनकी सर्च शुरू कर दी। तो ये व्यक्ति जो रात के वक्त मिले पुलिस को और इनको डिटेन किया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।